हम रविंद्र कुमार एसपी न्यूज से आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अनूप शर्मा है, मैं अधिवक्ता हूँ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। आप क्या मांग है? मेरी मांग है कि माननीय श्रम मंत्री जी को बर्खास्त कर देना चाहिए, जिन्होंने ये बयान दिया है ईश्वर की कृपा शक्ति के प्रति कि वो नौकरानियों की बात है और इनसे घबराना नहीं चाहिए। जब गोपाल कांडा मंत्री के यहाँ पे इन्होंने जाके जो इस तरह का अपने चरित्र का वर्णन किया है, इसको देखते हुए इनको पद की गरिमा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी एक दूसरी मांग है माननीय राज्यपाल जी से कि इनको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने अपनी पद की गरिमा को नहीं बना पाया। आपका श्रम मंत्री जी से क्या संबंध है? मेरे दादा हैं श्रम मंत्री। आपके दादा हैं तो फिर आप इस तरह बयान कर दे रही हैं? मैं अपने प्रिंसिपल्स पे खड़ा हूँ, मैं अपने स्वाभिमान के लिए खड़ा हूँ और जो बात सत्य है सत्य का मैं साथ देता हूँ। रिश्ता होने से ये मतलब नहीं कि मैं सत्य का साथ नहीं दूँ। आप मंत्री जी के साथ रहते हैं? मैं अलग रहता हूँ। कारण मेरे मैं अपने स्वाभिमान के लिए खड़ा हूँ, मैं अपनी सत्यता पे खड़ा हूँ। अच्छा, अभी यदि आपकी ये मांग नहीं सुनी जाती है तो क्या आगे आपका क्या आगे इसकी रणनीति बनाई जाएगी, इस पर आगे बात की जाएगी और इसका आपका धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं सब जगह हो ही रहा है और एक छोटा मोटा वाक्य नहीं है जिसपे माफी से गुजारा हो जाए। क्या आप भी सड़कों पर उतरेंगे इस मांग से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी की योजना समझता हूँ क्योंकि उनके चरित्र को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। आम आदमी को उनको बाहर से देखा है, मैंने उनको घर से देखा है। ठीक है, जो आदमी महिलाओं के प्रति इस तरह के कटु शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं तो वो किन समाज का कर रहे हैं, तो किस समाज को वो दिशा निर्देश दे रहे हैं? तो क्या तो आपका कहना है आप इस मुद्दे को लेकर जन आंदोलन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।